नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में समझाऊंगा। आपको पूरी वीडियो अवश्य देखना है। अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको क्वेश्चन अवश्य समझ में आएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार पेपर में पूछे जाते हैं, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। कहा गया है, एबी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी का नाम है एबी लिमिटेड। एबी लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर, जो 10 रुपये का एक है, एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, कंपनी ने इशू किया। उसके बाद कह रहा है द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। जो 10 रुपया है कैसे फॉलो है, कैसे पेमेंट करना है। कह रहा है एप्लीकेशन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 3 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपया। याद रखना, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, उस 10 रुपये को कंपनी 2 रुपया एप्लीकेशन पर, 3 रुपया अलॉटमेंट पर, उसके बाद 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांग रही है। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 1,50,000। कंपनी के यहाँ जो आवेदन आए, जो खरीदने वाले आए, 1,50,000 एप्लीकेशन आए हुए हैं। कह रहा है वर रिसीव प्रोडेटा अलाटमेंट। यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोडेटा अलाटमेंट आनुपातिक आधार पर आवंटन किया जाएगा, जिसको हम बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। उसके बाद कहा है मेड ऑल एप्लीकेशन फॉलो। कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर अलॉटेड 60,000। जिन्होंने 80,000 मांगा था उनको 60,000 शेयर दिया गया। उसके बाद दूसरा ग्रुप है जिन्होंने 70,000 मांगा था उनको 40,000 दिया गया। तीसरा ग्रुप है जिनको, दो ग्रुप बनाए गए हैं, एक 80,000 मांगने वाले को 60,000 दिया गया, 70,000 मांगने वाले को 40,000 दिया गया। कह रहा है सुधा टू होम 600 शेयर वर अलॉटेड आउटपुट ऑफ ग्रुप अप्लाइंग 80,000। मतलब 80,000 वाले ग्रुप में हैं सुधा, जिनको कितना, इनको 600 शेयर दिया गया है, 600 शेयर दिया गया है, क्या नहीं दे पा रही हैं, पे द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा ये नहीं दे पा रही हैं। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कंपनी ने आवंटन के बाद, अलॉटमेंट के बाद इनका शेयर छीन लिया है, इनका शेयर फॉरफिट कर लिया है। नो प्रॉब्लम, एक भी परसेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है आशा, आशा के पास कितने शेयर हैं, 1400 शेयर, किस ग्रुप के हैं, 70,000। इन्होंने क्या नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद शेयर को फॉरफिट किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है आपको जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन जर्नल एंट्री करने के पहले कहा है 1,000 शेयर कंपनी ने कितने में इशू किए हैं, 8 रुपया पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने री इशू कर दिए हैं, आपको जर्नल एंट्रियाँ करनी है। आपको कॉलम बनाना पड़ता है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। आपको कॉलम बनाना पड़ता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। मैंने आपको बताया है कॉलम बनाना, डेट का, पार्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का। सबसे ऊपर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम है एबी लिमिटेड, आप लिख देंगे, इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो मेन चीज़ है, जो मेन फोकस है हमारा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कैसे किया जाएगा, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन की बारीकी को आपने समझा होगा। क्वेश्चन में कहा गया है 1 लाख एप्लीकेशन कंपनी ने इशू किए, मतलब 1 लाख शेयर के एप्लीकेशन के लिए कंपनी ने इशू किए, कंपनी के पास 1,50,000 खरीदने वाले आ गए। जब कंपनी के पास ज़्यादा खरीदने वाले आ रहे हैं तो कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा होता है तो क्या करती है कंपनी, कभी कभी रिटर्न कर देती है। लेकिन रिटर्न नहीं करना है, प्रोडाटा बेसिस पे, प्रोडाटा का मतलब होता है आनुपातिक आधार पर सबको दे देना है, सबको खुश रखना है, किसी को नाराज नहीं रखना है। आपको ध्यान देना है, पहली एंट्री क्या होगी,
शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड करने की एंट्री क्या होगी? आपको अपनी कॉपी में लिखना है पहली एंट्री, मैं लिख रहा हूँ, अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिख लें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। आप देखिए अपनी कॉपी में ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया गया है 150,000 एप्लीकेशन आई, लेकिन कंपनी ने इशू कितना किया? कंपनी ने इशू किया है 1,00,000। ज़्यादा आ गए तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। कितना? 2 रुपये के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 2 रुपया दिया है एप्लीकेशन पर, 2 रुपया हम यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा 3 लाख रुपीज़ डेबिट में, 3 लाख रुपया डेबिट में लिख देना है, 3 लाख रुपया क्रेडिट में लिख देना है। इस पहली एंट्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए, कंपनी ने 1,00,000 शेयर इशू किया, 1,50,000 आ रहे हैं, 2 रुपया एक एक लोगों ने दिया, एक एक शेयर पे, एक एक एप्लीकेशन पे मिला है, 3,00,000 आ गया। दूसरी एंट्री अब समझना है आपको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है। बट यहाँ पर एंट्री में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा? आपको पता है, मैंने पीछे भी बताया है, कैपिटल में कौन सा अमाउंट लिखा जाता है? जितना कंपनी के पास वास्तव में शेयर हो, कंपनी के पास 1,00,000 शेयर हैं, 2 रुपये के हिसाब से 2,00,000 रुपया यहाँ पर लिखा जाएगा। कितना फालतू आ गए? फालतू आ गए 50,000। उनके पैसे को रिटर्न नहीं करना है, उनके पैसे के लिए आपको लिखना पड़ेगा टू एडजस्ट करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्या रहेगा? कितना ज़्यादा आ गए? 50,000 इंटू 2 रुपये के हिसाब से 1,00,000 रुपया ज़्यादा आ गया। क्वेश्चन में वापसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, नो प्रॉब्लम, आपको यहाँ पर सीधा सीधा 3,00,000 लिख देना है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ तक आपको एक बार फिर से समझा देते हैं, दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, कहीं पर हमसे भी नहीं पूछने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए, आपने निमंत्रण दिया 1,00,000 और खाने वाले आ गए 1,50,000, एक एक लोग 2-2 रुपये लेकर आ रहे हैं, 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,00,000 रुपया आपके पास आया शेयर एप्लीकेशन का। ये पहली एंट्री का समापन हो गया। इस जो ज़्यादा आए हुए हैं 50,000, इनको क्या किया जाए? इनको रखा जाए, सम्मान दिया जाए। सम्मान कैसे देंगे इनको? भाई हमारे पास शेयर कैपिटल एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हम 1,00,000 × 2 करेंगे 2,00,000 रुपया, और अलॉटमेंट में क्या किया जाएगा? अलॉटमेंट का मतलब जो ज्यादा आए हुए हैं उनको क्या कर दिया जाए, उनको हम कहां भेज देंगे? अलॉटमेंट में उनको उनका समझौता हो जाएगा, ठीक है, एडजस्ट कर देंगे। इतने से ज्यादा पहली और दूसरी एंट्री में कुछ भी नहीं है, आप घबराएं ना, वीडियो बहुत लंबा बन सकता है, क्योंकि अच्छे से हमारा समझाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। अब आपकी बात आती है थर्ड नंबर, तीसरे नंबर पर होता है शेयर अलॉटमेंट के पैसे को मांगती है कंपनी, लिखना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट को कंपनी मांगती है, समझिए, शेयर अलॉटमेंट को कंपनी मांगती है, तो मांगने की एंट्री कंपनी कितने से करेगी? जितना हमारी हैसियत हो, हमारे पास 1,00,000 शेयर है तो 1,00,000 से मल्टीप्लिकेशन होगा। और देखो अलॉटमेंट में क्वेश्चन में कितने रुपया दिया है? अलॉटमेंट में क्वेश्चन में दिया है कितना रुपया? 3 रुपया, 3,00,000 डेबिट में, 3,00,000 क्रेडिट में। चौथी एंट्री आपको क्या करनी है? अब देखो अलॉटमेंट हो गया, नरेशन नहीं कर रहे हैं, नरेशन करने की जरूरत नहीं है, नरेशन आप खुद कर सकते हैं, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू रिसीव, यही करना है और कुछ नहीं करना है। मेन टॉपिक है एंट्री, एंट्री ही आपको
पेपर में लिखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, तो इसमें शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलना चाहिए, यहीं पर आपको पूरा खेला करना है, यहीं पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री होती है। लेकिन मेरे भाई इस एंट्री में पैसा क्या लिखा जाएगा, अमाउंट क्या लिखा जाएगा, हम इस पर गहन अध्ययन करेंगे। यहीं पर होता है स्टूडेंट भटक जाते हैं, और यहीं पर आपको ध्यान देना है। इतना तो एकदम आसान था, आपको ध्यान देना है कंपनी ने मांगा 1,00,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3,00,000, और आपको पता है अलॉटमेंट का 1,00,000 पहले मिल चुका है, अलॉटमेंट का 1,00,000 पहले मिल चुका है। अब बारी आती है, इसको भी माइनस कर देंगे, यहां तक भी कुछ नहीं है। अब बारी आती है सुधा की, सुधा ने लिया हुआ है, सुधा को दिया गया है 600 इक्विटी शेयर। कितने इक्विटी शेयर दिए गए हैं, 600 इक्विटी शेयर दिए गए हैं। किस ग्रुप वाले हैं, जो 80,000 मांग रहे थे उनको 60,000 दिया गया, जो कितना मांग रहे थे 70,000 मांग रहे थे उनको 40,000 दिया गया। ये दो ग्रुप हैं। सुधा को किस ग्रुप से दिया गया है आप देख लीजिए, इस ग्रुप से शेयर दिया गया है। यही आपको पूरा का पूरा पॉइंट समझना है, 80,000 मांग रहे थे 60,000 दिया गया, 70,000 मांग रहे थे 40,000 दिया गया, तो इससे मतलब नहीं रखना है। बहरहाल 8,7,15 1,50,000 आवेदन एप्लीकेशन है, इनके पास शेयर है 40,60 1,00,000, इससे आपको नहीं मतलब। मेरे भाई आपको यहां पर पता करना पड़ेगा, सुधा को जब 600 शेयर दिए गए हैं, 600 शेयर अलॉट किए गए हैं, 600 शेयर अलॉटमेंट किए गए हैं, कितने शेयर 600, तो सुधा ने एप्लीकेशन कितने का किया था, समझिए। अलॉटमेंट पे सुधा पैसा नहीं दे पा रही है, अलॉटमेंट पे सुधा पैसा नहीं दे पा रही है, 600 शेयर इनके पास हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कर देंगे 600 × 3, पैसा नहीं मिला। तो आपको पता करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा सुधा ने कितने का एप्लीकेशन दिया, सुधा एप्लीकेशन ऑफ शेयर, सुधा द्वारा किया गया एप्लीकेशन। जब सुधा ने कितने का एप्लीकेशन किया तो इसके लिए आपको कैसे करना है, 80,000 शेयर 80,000 एप्लीकेशन वालों को एडजस्ट किया जा रहा है 60,000 शेयर में, तो 600 वालों ने कितने का एप्लीकेशन किया है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 80,000 भागे 60,000 कैलकुलेट कर देते हैं, 80,000 डिवाइड बाई 60,000 इंटू 600, यानी कि सुधा ने 800 का एप्लीकेशन किया है। यही समझना है और कुछ नहीं समझना है। देखो भाई ग्रुप है 80 और 60 का, जिन्होंने 80 मांगा था उनको 60,000 दिया गया, जिन्होंने 80,000 मांगा था उनको 60,000 दिया गया। हमें पता करना है सुधा ने कितना मांगा था, कितना एप्लीकेशन किया था, इसका मतलब 800 का एप्लीकेशन किया था। एप्लीकेशन ऊपर रखो, शेयर नीचे रखो, जितना दिया गया उतने से गुणा कर दो, 800 दिया गया। अब आप समझिए जरा से यहाँ पर, अब आते हैं अलॉटमेंट पर, जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रही है सुधा, 600 गुड़े के रुपया, 600 इंटू अलॉटमेंट का 3 रुपया है, 6 × 1,800 रुपया, साफ साफ दिख रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब सुधा ने एप्लीकेशन किया, आवेदन किया, तब उन्होंने 800 का आवेदन किया, उनको 600 ही शेयर दिए गए, यानी कि 200 शेयर नहीं दिया गया,
200 शेयर नहीं दिया गया, पहले से पैसा एप्लीकेशन पर ही क्या है, 200 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से 2 × 2 = 400 कितना बचेगा, 1400 रुपया, 400 पहले मिल चुका है, वास्तव में 1400 रुपया नहीं दे पा रहा है। एक बार दिमाग लगा के फिर से समझ लीजिए ताकि पूछने की प्रॉब्लम ना हो। आपको पता है 80,000 वाले ग्रुप से 80,000 एप्लीकेशन और 60,000 शेयर वाले ग्रुप से शेयर दिया गया। शेयर कितना दिया गया, शेयर वही मालूम करना है, शेयर दिया गया 600, लेकिन आवेदन कितना किया था, क्योंकि आपको पता है जब 60,000 शेयर को 80,000 आवेदन के बीच में बांटा गया है तो जो 600 वाला है वो कितने का एप्लीकेशन किया होगा, 3 4 0 से 4 0 काट दीजिए, जो 8 मांगा था उसको 6 दिया गया ना, तो 600 वाला कितना मांगा था, 600 वाला मांगा था 800। अलॉटमेंट पे आएंगे, 6 × 3 = 1800 रुपया नहीं मिल रहा है, सीधा दिख रहा है, लेकिन दिमाग लगाया मैंने कि उन्होंने तो भैया 800 मांगा था, 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन पर पैसा दिया था, तो इसका मतलब कितना, 600 दिया गया, 200 नहीं दिया गया, 2 × 2 = 400, 18 में से 400 माइनस कर दो 1400, यानी कि वास्तव में कितना नहीं मिल रहा है, 1800 × 1400 नहीं मिल रहा है। 3 लाख में 1 लाख माइनस कर लीजिए आ जाएगा 2 लाख, 2 लाख में 1400 माइनस कर दीजिए 1,98,600 रुपया इसे लिखना है, यही आपका मेन पॉइंट है। 1,98,600 और इस क्वेश्चन की और बड़ी खासियत क्या है, और बड़ी खासियत कहता है, कह रहा है आवंटन के तुरंत बाद उसके अंशों का हरण कर लिया गया। अब देखो भैया अलॉटमेंट नहीं दे पा रहे, इनके शेयर कंपनी फॉरफिट कर लेगी। वीडियो को रोक करके ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना है, पता किया गया है क्वेश्चन में, 800 का एप्लीकेशन दिया था उसने, 600 शेयर दिए गए, बाद में जब नहीं दे पाया, 600 × 3 मांग रहा है 1800, तो कहेगा भैया 2 रुपये 200 शेयर का पैसा पहले दे चुके हैं हम, जो हमको शेयर ही नहीं मिला, 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन पे 400, वास्तव में 1400 नहीं मिला। वीडियो को रोक करके लिखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो और भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, उन प्रॉब्लम को, इन प्रॉब्लम को उन क्वेश्चनों में आप सॉल्व कर लेंगे। आगे हम चलते हैं अपने मिशन की ओर, अपने टारगेट की ओर, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आपको ध्यान देना है शेयर फॉरफिट करना है, शेयर का हरण जिसे बोला जाता है, शेयर फॉरफिट करना है। आप ध्यान दीजिए, शेयर फॉरफिट करने के लिए मैंने आपको बताया है शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, कितने से डेबिट करते हैं, जितने से भैया मांगा गया हो, कितना मांगा गया, आप समझो कितना शेयर फॉरफिट करना है, 600 शेयर फॉरफिट करना है, क्योंकि 600 पर पैसा नहीं मिल रहा है, 600 शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पा रहा है। अच्छा भैया कई रुपया मांगा गया, आवेदन का 2 रुपया और अलॉटमेंट का 3 रुपया, टोटल मिला के 5 रुपया मांगा गया, 6 × 5 = 30, 3000 रुपया कंपनी ने इनसे मांगा था, 3000 रुपया कंपनी ने इनसे मांगा था। पैसा कितना नहीं मिला, पैसा जो ना मिला हो उसे क्रेडिट कर देते हैं। आपको पता है शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट कितना नहीं मिला है सामने आपके लिखा है, 1400 नहीं मिला। 5 से गुणा क्यों किया गया, 10 से क्यों नहीं किया गया, पहले हरण करने के लिए बोल रहा है, आवंटन के तुरंत बाद, अलॉटमेंट के तुरंत बाद 600 का गुणा 5 से कर देंगे, 6 × 5 = 30, 3000। अलॉटमेंट क्या नहीं मिला, जो ना मिला हो, अलॉटमेंट नहीं मिला है तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे, 3000 में से 1400 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 3000 में 1400 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1600 आपका उत्तर आ जाएगा फॉर फ्यूचर में। यहाँ तक आप करेंगे, आप समझिए कंपनी के पास कितने शेयर थे,
अब समझो, कंपनी के पास शेयर थे अभी तक 1,00,000, 600 शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, 99,400 शेयर बचे। अब जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन कितने से होगा, 99,600 से होगा। इसको हम मिटा देते हैं, ये सब इसका काम नहीं है। अब आपको ध्यान देना है, क्या करना है, शेयर देखिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से मल्टीप्लाई होगा। भाई कंपनी के पास 1,00,000 शेयर था तो कंपनी अब क्या करेगी, कंपनी के पास 1,00,000 शेयर था लेकिन 600 फॉरफिट कर लिया गया, कितना बचा, 99,400 का गुणा 5 से करिए, 99,400 का गुणा 4 से करिए, 99,400 का गुणा 5 से करेंगे, 4,97,000 रुपया कंपनी मांगेगी, 4,97,000 रुपया कंपनी मांगेगी, 4,97,000 डेबिट में, 4,97,000 क्रेडिट में। उसके बाद आपको ध्यान देना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये भी एंट्री करनी है आपको, आपको ध्यान देना है, ये भी एंट्री करनी है। लेकिन इस एंट्री में कंपनी ने मांगा 4,97,000, 4,97,000। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कौन है, आशा है, जिन्होंने कितने का एप्लीकेशन किया है, 1,400 का एप्लीकेशन किया है, उल्टा है उसका, याद रखिएगा उल्टा कैसे है, 1,400 का एप्लीकेशन भैया मोरे किया इन्होंने। तो आपको पता करना पड़ेगा इनको शेयर कितना दिया गया। पहले ध्यान दीजिएगा ग्रुप इनका कौन सा है, आपको ध्यान देना है, 4,97,000 रुपया कंपनी मांग रही है। जब कंपनी 4,97,000 मांग रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने पर नहीं मिला। क्वेश्चन में बोला है आशा के पास 1,400 शेयर हैं, तो पता करना पड़ता है आशा को कितना दिया गया। आशा ने एप्लीकेशन किया था 15%, उसका उल्टा यहाँ पर हो रहा है, आपको चेक करना है। आशा ने 1,400 का एप्लीकेशन दिया था, इनकी कैटेगरी क्या है, 70,000 शेयर का एप्लीकेशन जिन्होंने किया उनको 40,000 शेयर दिया गया, इस कैटेगरी की है आशा, आशा इस कैटेगरी की है। जब आशा इस कैटेगरी की है तो आपको क्या करना है, पता करना पड़ेगा इन्होंने कितने का इनको अलॉटमेंट किया गया शेयर। आपको रखना है 40,000 ऊपर, 70,000 नीचे, कर देना है 14 से मल्टीप्लाई, तो आपको पता लग जाएगा 40,000 शेयर दिया गया 70,000 के एप्लीकेशन को, तो 1,400 के एप्लीकेशन को कितना शेयर दिया गया। उसके अलावा ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4,0 से 4,0 काट दीजिए, जिन्होंने 7 शेयर मांगा था उनको 4 शेयर दिया गया, जिन्होंने 7 शेयर मांगा था उनको 4 शेयर दिया गया, तो 1,400 वाले कितना दिया गया। तो ऐसे करेंगे 40,000 भागे 70,000, यानी कि यहाँ पर शेयर लिखना है, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है, और आपको मान लीजिए वो मालूम करना होता है एप्लीकेशन, तो इसी का उल्टा हो जाता है, लिखना है 40,000 डिवाइड बाई 70,000 इंटू 1,400। इन्होंने 800 पैसा नहीं दिया, 800 का नहीं दिया, यानी कि 800 शेयर इनको अलाटमेंट किए गए थे, 800 गुणे 4 8 पंचे 40, 4,000 माइनस कर दीजिए, 4,93,000
रुपया नहीं मिला हुआ, मतलब मिला हुआ है ये नहीं मिला हुआ है। इसके अलावा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट निकालना पड़ता है। एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि आपको पूछने की प्रॉब्लम ना हो। समझिए आप, कंपनी ने आशा को, आज कंपनी में आशा ने 1400 शेयर का एप्लीकेशन दिया, 70,000 कंपनी के पास एप्लीकेशन आए और 40,000 के वाली कैटेगरी का है। जब इस कैटेगरी का है तो आपको पता करना पड़ेगा कितना अलॉटमेंट किया गया, कितना अलॉटमेंट किया गया। तो अलॉटमेंट किया गया 800 इंटू फाइव के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा, 8×5=40, 4,000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 4,93,000 रुपया मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है इस वाले शेयर को भी कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। इस वाले शेयर को भी कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। देखो इसके पहले भी फॉरफिट किया गया, यहाँ भी फॉरफिट किया जा रहा है। यहाँ पर कितने शेयर को फॉरफिट किया जाएगा, 800 को, इसके पहले 600 को फॉरफिट किया गया। आपको याद रखना है, लिखना है शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं कितने से, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं कितने से, 800। यहाँ पर पूरा मांगा गया है, एप्लीकेशन भी मांगा गया है, अलॉटमेंट भी मांगा गया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा गया है, यानी कि 10 रुपया टोटल मांगा गया है, 8,000। आपको ध्यान देना है, जो ना मिला हो उसे क्रेडिट करते हैं, सब कुछ मिला, टू शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 4,000। 8,000 मांगा गया, 4,000 नहीं मिला, मिला कितना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 8,000 में 4,000 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4,000 फॉर फ्यूचर का। इतना सटीक हो गया है, विश्लेषण करके मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है री इशू करो, कौन सा शेयर री इशू होगा। क्वेश्चन में बोला है 1,000 री इशू करना है, सुधा वाले सभी शेयर शामिल हैं, सुधा वाला सब री इशू करना है और इनके वाला कितना री इशू करना है, भाई सुधा का 600 था, समझिए री इशू करना है केवल 1,000। फॉरफिट किया गया पहले 600, फिर फॉरफिट किया गया 800, टोटल कितना फॉरफिट किया गया, 1400। 1400 में आपको कितना री इशू करना है, केवल 1,000। 1,000 में 600 इनका पूरा रहेगा, इनमें से लिया जाएगा 400, यानी कि 400 आशा वाला नहीं री इशू किया जाएगा, 1,000। आपको ध्यान देना है शेयर कैपिटल को डेबिट कर, सॉरी री इशू करना है तो री इशू पुनर्निर्गमन बैंक अकाउंट डेबिट। एक शेयर 8 रुपये का, 1,000 शेयर री इशू करना है बस, सुधा वाला पूरा आशा वाले में केवल 400, इनका 400 छोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा भैया, कंपनी को 8,000 मिलेगा। अब समझो 10 रुपया वाला सामान, 10 रुपया वाला अंश कंपनी कितना में बेच रही है, 8 में, एक शेयर पे 2 रुपया घाटा, लिखा जाएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। एक शेयर पे 2 रुपया घाटा हो रहा है, 1,000 शेयर पे 2,000 रुपया, ये पैसा कहाँ से लिया जाएगा, यही सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर भी यही सबसे बड़ी समस्या है, इसके लिए आपको वर्किंग नोट में हम बता रहे हैं। यही अगर आपको समझ में आ जाएगा, ये पैसा 2,000 तो लिया जाएगा फॉर फ्यूचर से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आप इसको सीधा सीधा 10,000 रुपया लिख लीजिए। क्वेश्चन तो लग गया लेकिन उत्तर लास्ट वाले में आता है, शेयर फॉर फ्यूचर के पैसे को कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफ़र किया जाता है। अब बात को हम आगे बढ़ाएंगे, आप समझिए इसके पहले फॉर फ्यूचर कितना था,
इसके पहले वाली जो एंट्री हुई थी जिसमें 600 शेयर फॉरफीच किया गया था उसमें कितना था, उसमें फॉरफीचर था 1600, ठीक है। और इस वाले में फॉरफीचर कितना है, 4000। आपको पता है कि इसमें दो प्रकार के शेयर शामिल हो चुके हैं, तभी गड़बड़ी हो रही है, नहीं तो डायरेक्ट किसी में निकाल के रख देते और आपका आंसर आ जाता। आप समझिए कि इसमें सुधा वाला कितना शेयर शामिल है, सुधा वाला पूरा शेयर शामिल है, कितना, 600 शेयर सुधा वाला शामिल है, 600 शेयर सुधा वाला शामिल है। तो एक शेयर पे 2 रुपया घाटा, तो इनका मतलब कि 600 शेयर से 1200 घाटा, 1200 इस 2000 में 1200 यहाँ का लिया गया, यहाँ का लिया गया, कितना बचा, कितना बचा, यहाँ पर बचा 400। इसे हम अलग से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसे हम अलग से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर समझिए भाई, सुधा वाला किस्में कितना शेयर शामिल है, इसमें 6600, एक शेयर पे 2 रुपया घाटा, एक शेयर पे 2 रुपया घाटा, 1600 फॉरफिट किया गया सुधा वाला इसके पहले अलॉटमेंट के बाद जो हुआ है, 600, एक शेयर पे 2 रुपया लॉस हुआ है, यानी कि रीसू करने के कारण, और 600 शेयर पे 1200, फॉरफ्यूचर में कितना निकाल लिया जाएगा, 1200 निकाल लिया जाएगा, कितना बचेगा, 400। अब आते हैं आशा वाले में, आशा वाले का कितना शेयर था, आशा वाले का 800 में केवल 400 इशू किया गया। पहली बात, 800 में केवल 400 इशू किया गया, तो आपको यहाँ पर 4000 होता है पूरा 800 का, 2000 का कितना होगा, फॉरफ्यूचर का हिस्सा 2000 होगा। अब समझो आशा वाला 400 शामिल है यहाँ पर, 400 × 3 रुपया, एक कंस पे 2 रुपया घाटा, 2 रुपया घाटा, 4×2 = 800 घाटा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1200, 12×4 = 1600। यानी कि सुधा का अलग और आशा का अलग, समझ लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मिला है, बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 1600 और 1200 कैसे आया, 1600 फॉरफ्यूचर का है, ठीक है, सुधा वाला फॉरफ्यूचर सुधा वाले से निकाला जाएगा लॉस। एक शेयर को 8 रुपये में इशू किया जा रहा है, 600 शेयर को, इसमें 600 शामिल है और 400 शामिल है, 600 शेयर में 6000 यहाँ पर आएगा, 8×5=40, 8×6=4800 आएगा। उससे नहीं मतलब है, 600, एक शेयर पे 2 रुपया घाटा, 600 शेयर पे कितना घाटा, 1200 घाटा, तो इस फॉरफ्यूचर से लिया जाता है, तो यानी कि सुधा वाले का 400 फॉरफ्यूचर में बचा है। अब यहाँ पर इनके यहाँ कितना है, 4000, लेकिन ये 800 शेयर का फॉरफ्यूचर है 4000, तो हमें कितना, 400 रीइशू कर रहे हैं, तो 400 का फॉरफ्यूचर होगा 2000, एक अंश पे 2 रुपया घाटा, 400 शेयर पे 800 रुपया घाटा, 2000 में 800 माइनस कर दो, 1200 रुपया बच रहा है इस 2000 में। यहाँ से 800 लिया गया, ये जो 2000 लिखा गया, यहाँ से 1200 लिया गया, बचा 400, बचा 1200, 12×4 = 1600। फॉरफ्यूचर अकाउंट डेबिट एंट्री होगी, लिख लीजिए फॉरफ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 1600 डेबिट में, 1600 क्रेडिट में, यही 1600 आपका उत्तर आ रहा है। इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं।